साइकिल पर चलकर डीजल व पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। डीजल व पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध आज कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने धरने पर बैठे कांग्रेसियों को धरना स्थल से खदेड़ दिया। बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों के विरोध में आज कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन के लिए लाए गए बैलगाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया व धरना दे रहे नेताओं को भी सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की बात कहते हुए हटा दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार आ रहे उछाल के चलते बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। शहर से लेकर गांव तक कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पैदल मार्च किया और रिक्शा व साइकिलों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। इस बीच कार्यकर्ताओं द्वारा बैनर पोस्टर के माध्यम से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में रोज हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में सबसे कम स्तर पर है, तब मोदी सरकार तेल के दामों में कमी करने के एवज में बढ़ोतरी कर रही है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट में आए लोगों के लिए ये परेशानी वाला समय है। का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने कहा कि भाजपा का चुनाव चिन्ह वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल सार्थक नजर आ रहा है। उनके द्वारा कटाक्ष किया गया कि कमल के फूल को अंग्रेजी में लोटस कहते हैं, जिसे बीजेपी के नेताओं ने लूट अस बना दिया है। मेरा नाम विनोद गुम्बर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिले का मैं जिला अध्यक्ष। इस टाइम आप ये देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड का जो मूल्य है शून्य से भी नीचे है। हमारी सरकार ने आपने देखा होगा कम से कम 15 रुपए लीटर इस डेढ़ महीने के अंदर तेल बढ़ गया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये पैसा कोरोना महामारी के अंदर जा रहा है या भाजपा की जेबों में जा रहा है या उन नेताओं की जेबों में जा रहा है? ये प्रधानमंत्री स्पष्ट करें, ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर कोरोना महामारी में जा रहा है तो हमसे और भी सहयोग ले। हम तो चाहेंगे फिर 10 रुपए लीटर और बढ़ा दें और हर जनता का हर नागरिक कोरोना के साथ सरकार के साथ करा। लेकिन अगर कोरोना के अंदर भी एक जैसी बात होगी तो उसके ऊपर हम लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए हम लोगों ने बैलगाड़ी करी, हमारी बैलगाड़ी हटवा दी। हम लोग उसके अंदर प्रदर्शन कर रहे थे तो धारा 144 लगी हुई है। हम धारा 144 का पालन करते हुए हम लोग चार लोग हैं। अगर कुछ लोग और हैं तो दाएं बाएं के हैं तो वो मतलब हमारे साथ नहीं। और आपने देखा होगा पशुपालन विभाग में कितना बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। शिक्षक भर्ती में 69,000 लोगों को पकड़ा गया है। कानपुर के अंदर जो नारी निकेतन है उसमें 3 महिलाएं गर्भवती पाई गई हैं। इसके लिए क्या करें? हमारी आपसे विनती है, खासकर पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के सभी वर्ग, कि आप हमारे साथ खड़े हो। आप लोग हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ जन जन तक जाए। उल्टा इसलिए लटाया है। इसके अंदर आपने चार शब्द और पढ़ी, इसमें लिखा है लूटस। हमें लूट लो। लूटस का मतलब हमें लूट लो। बीजेपी सरकार ने जो लोगों को एक सफ़ेद चन्ना दिखाया था कि हर नागरिक के खाते में पैसा आएगा, 15-15 लाख रुपए आएगा, सबको मतलब रोज़गार मिलेगा, क्या आगे है ये आप देख लीजिए कि सरकार ने कितने लोगों को क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये आपके साथ।